बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कहिए एक बार राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। एक समय की बात है, माँ गौरा और श्री शिव महादेव जी कैलाश से कहीं घूमने के लिए निकले। दोनों जने पैदल चल रहे थे, माँ गौरा और शिव जी महाराज। कंकड़ पर चलते हुए माँ गौरा को लगा कि मेरे स्वामी जो जगत के पालक हैं महादेव, वो पैदल चलते हैं। स्वामी से कहते हैं, स्वामी आप सृष्टि के पालक हैं, इस सृष्टि को चलाते हैं, क्या आपके पास कोई वाहन नहीं होना चाहिए? माँ गोरा ने पूछा। माँ गोरा ने कहा, क्या आपके पास कोई वाहन नहीं होना चाहिए? भोलेनाथ कहते हैं, नहीं प्रिय, मुझे क्या करना है, हम ठहरे कैलाश में रहने वाले, हम वाहन का क्या करेंगे? लेकिन पत्नी, पत्नी वो दर्द सह सकती है जो चलते हुए कंकड़ जो चुभ रहे हैं, उनका दर्द जो महादेव को महसूस हो रहा है। वो कहती है, नहीं स्वामी, अब तो मैं तभी मानूंगी जब आप कोई वाहन ले लेंगे, वाहन पर बैठ के ही आप कहीं जाएंगे, अन्यथा मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब जब नारी ने जिद की, पत्नी जब जिद करती है, पति को वो जिद पूरी करनी ही होती है। समाचार भेजा गया समस्त देवताओं के पास कि आकर मिले। अब नारद जी को पता चला कि वाहन के बारे में बात करनी है, वाहन चाहिए भोलेनाथ को। ऐसी सूचना सब देवताओं को दी गई कि भोलेनाथ को वाहन चाहिए, तो किसके पास है वाहन जो आवश्यकता भोलेनाथ की संपूर्ण हो सके? देव सोचने लगे, कहीं हमारा वाहन ना ले ले भोलेनाथ। जिस वक्त मिलने का समय निश्चित हुआ था, अर्थात मीटिंग का टाइम निर्धारित हुआ था, उस मीटिंग में एक भी देव नहीं आए, एक भी देव नहीं आए। इस वजह से कहीं हमारा वाहन ना ले ले भोलेनाथ। भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ। भोलेनाथ ने उसी वक्त कैलाश पे बैठे आवाज लगाई, जंगल में जितने भी जानवर थे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर जानवर भोलेनाथ के समक्ष आकर खड़ा हो गया। भोलेनाथ ने कहा, मुझे एक वाहन चाहिए जिस पर मैं सवारी कर सकूं। सभी जानवर बड़े खुश हैं। सबसे पहले खरगोश बोला, महाराज मेरी खाल बड़ी नरम है, आप मुझ पे अगर बैठेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। अब भला खरगोश इतने छोटे से पर कैसे कोई बैठे? उससे बड़ा जानवर कहता है, अरे तू तू क्या बिठाएगा, मैं हूं ना। घोड़ा बोला, मैं हूं ना। अब घोड़े से बड़ा आ गया। हाथी बोला, मेरे रहते हुए और तू किस काम का, मैं हूं ना। जब गर्मियां होंगी
अपनी सूंड में नदी से जल भर के भोलेनाथ के ऊपर पानी भी डालूंगा। महाराज आपका नहाना भी हो जाएगा मेरे ऊपर, सो मुझे ग्रहण करे, सो मुझे ग्रहण करे। सुअर, सुअर पता है ना आपको, सुअर अपने मुंह से बोलता है प्रभु मैं हर गंदगी छोड़ दूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा गंद खाऊंगा भी नहीं, कृपया मुझे स्वीकारिए, कृपया मुझे स्वीकारिए। शेर कहता है दहाड़ कर मेरे होते हुए तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम महादेव का वाहन बनना चाहते हो, मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आया? महाराज मैं हूं ना, कोई आपके आगे नहीं आ पाएगा। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। उन सब में नंदी बैल भी खड़ा था, कुछ नहीं बोला, नंदी बैल भी खड़ा था। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सबको सुन लिया, वक्त आने पर जब मुझे कहीं जाना होगा जो मैंने वाहन निर्धारित किया है मैं उस वाहन को बुला लूंगा, अब आप जा सकते हैं। हृदय से नंदी बैल, हृदय से महादेव का वाहन बनना चाहता था लेकिन बोला नहीं था, क्यों? क्योंकि उससे बड़े 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 कई जानवर थे वहां पर, सो वो चुप रहा। परंतु उसने निश्चय किया कि वो कैलाश के आसपास रहकर माँ गोरा और भोलेनाथ को देखेगा, उनकी आवश्यकताएं क्या है। अब वो छुप छुप के उनकी बातें सुनता, रोज छुप छुप के उनकी बातें सुनता। दिन बीत जाता, शाम को अपने घर चला जाता। कुछ समय बीता, बहुत घनी बरसात हुई, बहुत घनी बरसात हुई। उस बरसात में सब जानवरों को बुलाया गया, महादेव ने फिर बुलाया। महादेव ने कहा था जब मुझे कहीं जाना होगा या मैं एक चीज तुमसे मांगूंगा, जो वो चीज मुझे तुम उस दिन ला के दे दोगे वो मैं उसे अपना वाहन बनाऊंगा। जब भी मुझे कहीं जाना होगा उस वक्त मैं तुम्हें बुलाऊंगा और एक चीज मांगूंगा, अगर वो चीज तुम मुझे ला के दे दोगे तो वही मेरा वाहन होगा, ये भोलेनाथ ने कहा था। अब आज जब बुलाया, नंदी बैल भी उन सब में आए जानवरों में। महादेव ने कहा बरसात चलेगी लगभग 4 महीने, लगभग 4 महीने मुझे सूखी लकड़ियां चाहिए। जंगल पानी से भर चुका था, बहुत बरसात हो रही थी, जंगल पानी से भर चुका था। उस बरसात में महादेव ने कहा जो जानवर मेरे लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाएगा उसे मैं अपना वाहन बनाऊंगा, उसे मैं आज अपना वाहन बनाऊंगा। नंदी बैल जो रोज महादेव और माँ पार्वती की कथा सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, उन्होंने उन बातों से ही निष्कर्ष निकाला था कि आने वाले बरसात के दिनों में महादेव को लकड़ियों की जरूरत होगी। और रोज नंदी बैल जब बरसात नहीं थी लकड़ियां इकट्ठी करता था, और आज जब महादेव ने लकड़ियां मांगी सब जानवरों ने देखा कि सारा जंगल तो पानी से भरा हुआ है, हम कहां लकड़ियां लेकर आए, सब हाथ जोड़ के वापस चले गए। लेकिन नंदी बैल गट्ठर लकड़ियों का उठा के लाया, क्योंकि वो कई दिनों से उस लकड़ियों के गट्ठर को इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था जो लाकर महादेव के चरणों में रख दी। महादेव जानते थे कि नंदी बैल रोज हमारी बात सुनता है, रोज ये भी तो हरि की लीला है, ईश्वर की लीला है, महादेव की लीला है। महादेव जानते थे कि नंदी बैल हमारी बात सुन रहा है, उन्होंने लकड़ियां मंगाई और नंदी बैल ने जब गट्ठर लाके उनके आगे रखा, बड़े प्रेम से नंदी बैल को महादेव ने अपना वाहन स्वीकारा। तो इस प्रकार नंदी बैल श्री शिव के चरणों में उनके वाहन के रूप में
सदैव सदैव तत्पर रहने लगे। और आज जहाँ शिव परिवार की पूजा होती है, वहाँ चरणों में बैठे नंदी महाराज की भी पूजा होती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, शिव जी महाराज।